हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल वन। मैं हूं आलोक सिंह। आज हम लोग बात करते हैं ट्रिप्स के रिगार्डिंग। व्हाट इज़ दिस ट्रिप्स ऑल अबाउट एंड इसके क्या रीजनिंग है, इसके क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं एंड एक्चुअली ये है क्या। ट्रिप्स इज़ बेसिकली ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक एग्रीमेंट है जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीड अपॉन किया हुआ है, जिसको कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया हुआ है। और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रिगार्डिंग जो ये मेंबर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज़ हैं, उनके मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, मिनिमम लाइक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और उनको सारे कंट्रीज़ का जो कि मेंबर कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑल ओवर दिस ऑर्गेनाइजेशन किन किन आस्पेक्ट्स पे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा एंड दैट इज़ टू बी एक्सेप्टेबल बाय ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज़ बेसिकली मिनिमम स्टैंडर्ड कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक सेटअप किया हुआ है कि आप किस तरह से कॉपीराइट इश्यूज, ट्रेडमार्क, पेटेंट इन कंप्यूटर नॉर्म्स, ये सारे इश्यूज़ को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। एंड जो इसके बेसिक नॉर्म्स हैं वो सेट किए गए थे उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स, जो 1994 में सेटअप किया गया था, उसके बाद में फॉर्मलाइज किया गया एंड अल्टीमेटली इट्स टर्न अप एंड जो ट्रिप्स होता है ट्रिप्स के फॉर्म में ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया गया। सो दिस इज द बेसिक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट अप बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इसको एक्सेप्टेबल किया गया, एग्रीड अपॉन किया गया एज एन एग्रीमेंट जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने पुट अप किया था। एंड दिस इज़ बेसिकली एक्सेप्टेड ऑल ओवर द मेम्बर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड डीलिंग विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सेप्टेबल ऑल द वे इट्स मेंबर कंट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ दिस द ऑल ट्रेड रिलेटेड इश्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर डेल्ट विद। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।